प्लास्टिक के कचरे से होने वाली आलूदगी व प्लास्टिक वेस्ट की बेहतर ढंग से रिसाइकलिंग करने को तरजीह दिए जाने के मकसद से हुकूमत ने बड़े पैमाने पर इकदाम तो उठाए हैं, लेकिन दूरदराज के इलाकों में अभी भी प्लास्टिक रिसाइकलिंग व प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को सही ढंग से तरजीह नहीं मिल पाई। यही कुछ हाल था राजौरी जिला का भी, जहां इससे कबल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी गई थी और इसी की वजह से राजौरी जिला के बेशतर इलाकों में प्लास्टिक के कूड़े से होने वाली आलूदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन इसी बीच स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला इंतजामिया की तरफ से एक कदम उठाया गया, जिसके तहत राजौरी जिला में पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट कायम किया गया है, जिसमें एक बेलिंग मशीन को भी निस्ब किया गया है, जिसका मकसद प्लास्टिक के पूरे कचरे की बेहतर ढंग से पैकिंग करना ताकि इसे फिर रिसाइकिलिंग फैक्ट्रीज तक ले जाकर बेहतर ढंग से रिसाइकिल करवाया जा सके। ये यूनिट राजौरी की बथूनी पंचायत में कायम किया गया है और इसका मकसद बथूनी के अलावा इर्द गिर्द की मजीद दो और पंचायत को प्लास्टिक के कूड़े से साफ रखने का है। और मुतलका महकमे की तरफ से यही दावा पेश किया जा रहा है कि कुछ एक माह के अंदर ये यूनिट पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा और जिसके बाद ये पूरा इलाका प्लास्टिक वेस्ट फ्री कहलाएगा। मैं सरपंच हल्का बथूनी कैप्टन हरवीर सिंह। ये प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट जो है पंचायत हल्का बथूनी में पहली मशीन लगी है। ये बॉर्डर इलाका है, लेकिन इस मशीन के बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि यहाँ पे जो भी प्लास्टिक की जितनी आइटम जो रोडों के किनारे पड़ी रहती हैं, घरों में पड़ी रहती हैं और नज़दीक कहीं अड़ोस पड़ोस में पड़ी रहती हैं, और ये पूरा सामान यहाँ इकट्ठा करके इस मशीन में प्रेस करके और इसको बाहर किसी क्वारियों को या किसी कंपनी को दिया जाए तो इसे एक तो पंचायत का भी रेवेन्यू होगा, दूसरा यहाँ की गंदगी खत्म होगी और साफ सफाई का अभियान बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा। मेरे नज़दीक दो तीन पंचायतें हैं, पंचायत मेहरी है, पंचायत सावनी है, पंचायत मुरादपुर है। मैं चाहता हूँ ये भी आपने वहाँ से ये प्लास्टिक की जितना मटीरियल है वो इकट्ठा करें और यहाँ भिजवाएँ और अपना रेवेन्यू जनरेट करें। मैं ग्राम रोजगार सेवक शकील अहमद। तो हमारे यहाँ पे ये जो बेलिंग मशीन लगाई गई है, इसका बड़ा फन ये है कि इसको जितना भी इलाके का प्लास्टिक है उसको प्रेस करके यहाँ से बाहर की फैक्ट्रीज वगैरह में जो है वो मज़ीद इसको रिसाइकल करके नई चीज़ें तैयार करने के लिए जो है वो बनाया जाएगा। तो हमारे इसके तीन चार फायदे जो हैं वो बड़े बड़े मोटे मोटे फायदे ये होंगे। एक तो हमारे जितना भी ये प्लास्टिक खुलेआम ज़मीनों में पड़ा रहता था उससे फसल होने में बड़ी दिकदारी होती है, फिर नदी नालियों में जाता है, गंद फैलता है, पानी के जो नालियां वगैरह बह रही होती हैं उनमें बहने में रुकावट होती है। तो वो जितना भी प्लास्टिक का मटेरियल है वो जो है वो इकट्ठा करके यहाँ पे प्रेस करके तो इसको फर्दर प्लांट्स में मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो वो भेजा जाएगा। तो इस पे पंचायत लेवल पे जो है वो रोज़गार के मौके भी फराहम होंगे, रेवेन्यू भी पंचायत का जनरेट होगा और साथ ही साथ में हमारी जो हमारी पंचायत क्या है, हमारा गिर्द नवा का जितना भी इलाका है वो साफ़ सुथरा रहेगा। यहाँ पे 312 पंचायत है, हमारे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज टू है, उसके तहत हमने टॉयलेट्स के बाद जो हमारी अब कोशिश रहेगी कि हमने उसके बाद जो हमारे जो हमने वेस्ट डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की कंपेन शुरू की हर पंचायत में, और वो सब जो वेस्ट है हम एक सेग्रीगेशन शेड में जो है हम डिस्ट्रिक्ट में कलेक्ट करेंगे। हमारे इन सेग्रीगेशन शेड्स बनाने के बाद एक नेक्स्ट प्रोग्राम है जिसे हमने बेलिंग यूनिट्स लगाने हैं। ये बेलिंग यूनिट्स
उन सेग्रीगेशन शेड्स में जो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा होगा, उस प्लास्टिक वेस्ट को एक अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए उन बेलिंग यूनिट्स में हम ले जाएंगे और वहाँ जाके एक ऐसा प्रोडक्ट वो बनाएंगे ताकि ये प्लास्टिक जो है रिसाइकिल हो पाए और जो गाँव में जो प्लास्टिक का यूज़ है उसे हम मिनिमाइज कर पाएँ। ऐसी एक हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक यूनिट जो है हम बथूनी में लगाने जा रहे हैं, वहाँ की पंचायत हमने चुना है। जब वो हमारी डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट अगले एक डेढ़ महीने में सक्सेसफुली काम करेगी तो उसके बाद हम ये हर वेलिंग यूनिट जो है हर 3 पंचायत के पीछे एक वेलिंग यूनिट जो है लगाएंगे।